निर्मल बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं? निर्मल बाबा बाबा नहीं, ढोंगी बाबा हैं। वो लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। निर्मल बाबा पर कहाँ तक आपको विश्वास है? क्या मानते हैं कि उनमें कोई शक्ति है या फिर वो ठगी के धंधे में? नहीं, उनको विश्वास नहीं, वो लगता है वो ठगी के मामले में। निर्मल बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनमें कोई शक्ति है या फिर वो ठगी का धंधा कर रहे हैं? लोग तो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनमें कोई शक्ति है। बस वो अपनी चालाकी के बदौलत लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और नौलू सीधा करते हैं। सीधी सी बात, मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए ऐसा कोई धंधा अपना है। निर्मल बाबा पर कहाँ तक आपको विश्वास है? क्या मेरा एक्चुअली उन पर कोई भी विश्वास नहीं है। क्यों नहीं विश्वास है, जबकि इतने सारे लोग उनको पूज रहे हैं? ये जितने भी ये शक्तियाँ के बारे में बताया जाता है, वो बिल्कुल मतलब आज तक जो भी देखा गया है वो बिल्कुल झूठा होता है, प्लस उनका सारा कुछ जो है सो बनावटी रहता है। क्या आपको लगता है कि धन कमाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, धन ही उनका महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए करके कि एक बाबा को इतनी धन की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। निर्मल बाबा ही क्यों, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो लोगों की आस्था का दोहन करते हैं और कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू फेथ हो या इस्लाम हो, या दिक्कत ये है कि सब जो ये बाबा लोग या जो मठाधीश अपने को कहते हैं वो उसका दोहन करते हैं। और खास करके निर्मल बाबा का जहाँ सवाल है तो तत्काल तो लगा कि बहुत लगता है कि कौन सा दिव्य विभूति धरती पर आए हैं, लेकिन अब जो देख रहे हैं स्थिति तो यही है कि इनका चलन, इनका जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, ये दोहन, इसके अलावा क्या कहा जाए कि सिवाय इसके कि वो दोहन लोगों के धार्मिक आस्था का दोहन कर रहे हैं, और दूसरी बात तो कुछ कही नहीं जा सकती। ऐसा पता नहीं क्यों लोगों का धीरे धीरे इन लोगों पर से आस्था उठते जा रहा है। दुर्भाग्य है कि लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, कि एक से एक ढंग से, अपने अपने ढंग से उसको प्रोजेक्ट करते हैं, एक्सप्लाइट करते हैं। एक्सप्लाइटेशन का जो तरीका है इनका, वो तो हम समझते हैं उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होके दंडित किया जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो धार्मिक आस्था का दोहन करते हैं इस तरह से। क्योंकि खास करके हिंदू तो कोई रिलीजन नहीं है, इट्स ए फेथ, ये फेथ है। और फेथ जहाँ आस्था हो, आस्था का दोहन हो, तो हम समझते हैं कि कोई भी ये कोई ये असहनीय है। से वेदना होती है, लोगों को कष्ट होता है, बहुत ही कष्ट होता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ डैमेज हो चुका होता है जब तक लोग इस बात को समझ पाए कि सच्चाई क्या है उसके पीछे, काफ़ी डैमेज हो जाता है। ये कहना तो मेरे लिए कठिन है कि निर्मल बाबा में कोई शक्ति है या नहीं है, लेकिन गुमराह कर रहे हैं ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। जहाँ तक आस्था और विश्वास का प्रश्न है, इसकी स्वतंत्रता संविधान में के प्रकथन में ही, प्रियम्बुल में ही हुआ है। और आस्था और विश्वास को किसी कसौटी पर रख करके परखा नहीं जाता है, वह मन की अंदर की बात है। और मैंने जो जहाँ तक निर्मल बाबा का कार्यक्रम देखा है टीवी पर, और जैसा वो कहते हैं कि आप फलां जाप कीजिए, फलां देवी का या फलां देवता की पूजा कीजिए, फलां जगह जाइए, फलां चढ़ावा कीजिए, अगर कोई इस पर जाते हैं और उससे उस विश्वास के कारण उनको कोई फल मिलता है, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई गड़बड़ी है। यहाँ तो पेड़ों की पूजा की जाती है, पत्थरों की पूजा की जाती है, उसी भगवान को देखा जाता है, और लोग बरसों से, करोड़ों लोग उसी आस्था पर यहाँ जी रहे हैं, उससे अलग नहीं किया जा सकता। ये बात अलग है कि
कि निर्मल बाबा के अकाउंट में कितने पैसे हैं, किस उसका वो इनकम टैक्स दे रहे हैं कि नहीं, वो वाइट है या नहीं, इसकी जांच सरकार करे। लेकिन विश्वास और आस्था को सिर्फ नकार देना कि ये बेकार कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अध्यात्म जो है उसको आप प्रयोगशाला में सिद्ध करके नहीं दिखाया जा सकता है। वो विज्ञान बड़ा विज्ञान है, मैं समझता हूँ कि यह विज्ञान ये उसके लिए बहुत छोटा है जो अपनी प्रयोगशाला में परख नलियों में दिखाता है, वह नहीं कर सकता है। इसलिए जो वो कह रहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं कहते हैं, उसमें मैं कोई गड़बड़ी नहीं देखता हूँ। उनके अकाउंट में क्या पैसा है, कितना वो पैसा लेते हैं, ये उनकी बात है और इसकी जांच सरकार करे, बस मैं यही समझता हूँ कि इसके अलावा कुछ।